श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते दोस्तों, आपका क्रिएटिव भगवान में स्वागत है। कल है हरियाली तीज। हरियाली तीज पर स्त्रियां गलती से भी न करे ये काम, वरना पति पर बुरा असर पड़ सकता है। हरियाली तीज का त्योहार 19 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। सुहागन स्त्रियों को यह दिन बहुत खास होता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। तो इस पूजा विधि में हमें कौन सी सामग्री लगने वाली है, इस दिन यह पूजा कैसी करनी चाहिए, साथ ही इस दिन महिलाओं ने कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आखिरी तक देखिए। अगर अभी तक आपने क्रिएटिव भगवान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही पास वाली बेल आइकॉन को क्लिक करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हरियाली तीज का त्यौहार सुहागनों के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। शिव पार्वती की पूजा के बाद हमें मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह पूजा करती है और कुंवारी लड़कियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए यह पूजा करती है। साथ ही इस दिन हमने पूजा विधि के लिए शिव पार्वती की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता पार्वती ने देवों के देव महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन दोनों का विवाह हुआ था। तो यह बहुत शुभ पर्व माना जाता है। इस दिन अगर हम मनोभाव से, पूरे श्रद्धा भाव से शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन हमने बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो पहले हरियाली तीज व्रत के दिन सुहागन स्त्रियों ने काले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने, इससे पहनना अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता को हावी करता है, इससे व्रत करने वाला पूजा का लाभ नहीं उठा सकता है। साथ ही काली चुड़िया पहनने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तीज पर शिव जी की पूजा के दौरान उन्हें दूध जरूर चढ़ाए। हरियाली तीज पर जो पूजा करता है वह पूजा का भक्त दूध का सेवन ना करे, यह पूजा का व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोले। साथ ही हरियाली तीज पर व्रत रखने वाली महिलाएं पति से झगड़ा ना करें। इस दिन हम हमारे पति के लंबी उम्र की पूजा हेतु करते हैं। तो इस दिन पति से झगड़ा ना करें, क्रोध पर काबू रखें, किसी सुहागिन बुजुर्ग को अपशब्द ना बोले। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही व्रती परिवार और पति पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हरियाली तीज के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। भूलकर भी पूजा से पहले पानी ना पिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। हरियाली तीज के दिन पति और पत्नी को सहवास से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए व्रत को पूरा करना चाहिए। ऐसा न करने वाले दाम्पत्यों पर परेशानियां आने शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस पूजा विधि में हमने इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।